बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज कैंपस में दो छात्र गुटों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने बमबारी और पत्थरबाजी कर घटना को अंजाम दिया। पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल और एक बाल हॉस्टल के छात्रों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर भिड़ंत हो गई। इसमें तीन छात्र घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दो थानों की पुलिस के साथ साथ टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस विवाद के कारण का पता लगा रही है, साथ ही अपराधियों की पुलिस पहचान करने में लगी हुई है। जैक्सन हॉस्टल और नदवी और इकबाल हॉस्टल, जैक्सन और मिंटो हॉस्टल, ये चारों हॉस्टल के छात्र आपस में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, ईगो क्लैश को लेकर के इन्होंने आपस में झंझट किया और इनके बीच पत्थरबाजी ईंटबाजी भी हुई है। जहाँ तक बम फोड़ने की बात है तो बम फोड़ने के बाद सही नहीं है, वो शुतली पटाखा एक होता है, पटाखा जो कि शुतली वगैरह का उसमें यूज होता है, तो शुतली पटाखा का यूज हुआ है। पांच छह पटाखे इन्होंने फोड़े हैं आपस में और हल्की चोटें दोनों पक्षों के दो दो तीन तीन स्टूडेंट्स को हुआ है। बस इसके अलावा आगे पुलिस अभी जाँच पड़ताल कर रही है और इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले जो है इस तरह की घटना, आज 4 बजे चुनाव को प्रभावित करने का इरादा तो नहीं था कहीं दोनों गुटों का? ये बात हो सकती है कि चुनाव में भी अपना वर्चस्व और स्थान और अपना सक्रियता को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ये घटना हो सकती है। उसको प्रभावित करने के लिए हो सकता है, उसको स्थगित करवाने का भी उद्देश्य हो सकता है, ये उद्देश्य हो सकता है, तो ये जाँच का विषय है। पुलिस आगे क्या कार्रवाई? पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है और आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सीसीटीवी फुटेज अभी हमने बात किया है देखने के लिए, वो अभी ऑपरेट करने वाले नहीं आए हैं, उस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। लेट जाएगा।